हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास सेवेंथ इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट टू के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी और साइंस के क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोनों वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्ले लिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलिए इसे रीड करते हैं। माय डियर बॉय, सेड माय कंपेनियन विथ अ स्माइल। मेरी प्यारे लड़के, मेरे साथी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पैसेज में ऑथर ने यह बताया है कि दो कंपेनियन अर्थात मित्र आपस में इस बारे में बात कर रहे हैं कि सच्ची खुशी क्या है। डू यू नो दैट यू आर टॉकिंग इन द वे इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड जनरली टॉक। क्या तुम जानते हो तुम उसी तरह बात कर रहे हो जिस तरह से दुनिया के ज़्यादातर लोग बातें करते हैं। ऑफ कोर्स आई डिज़ायर दैट पीपल शुड बी बेटर एंड हैप्पियर माई सेल्फ अमंग द नंबर। बेशक मैं चाहता हूँ लोग बेहतर और खुश रहें, मैं भी उनमें से एक हूँ। बट हाउ एम आई टू सेट अबाउट इट, लेकिन मैं यह कैसे करूँ। मोस्ट पीपल्स आइडिया ऑफ बीइंग बेटर एंड हैप्पियर इज टू ग्रो रिचर एंड मेक अदर पीपल सर्व देम। ज़्यादातर लोगों के लिए खुश रहना और बेहतर रहने का मतलब है अमीर बनना और दूसरों से अपनी सेवा करवाना। दे वॉन्ट मोर थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक एंड ऑनर एंड पावर एंड पोजिशन। वे खाने पीने सम्मान शक्ति और पद के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं। नथिंग इज़ मोर अनवाइज एंड लॉफेबल देन ऑर्डनरी पीपल्स एम एंड एम्बिशंस। आम लोगों के एम और एम्बिशन से अनवाइज और लॉफेबल कुछ भी नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू बी ओनली रिच एंड मोर प्रॉस्पेरस। मैं नहीं चाहता लोग ज़्यादा अमीर और समृद्ध हों। Wealth and the pleasure of the world and the good things of the life do not make only truly happy. धन दौलत और दुनिया की अच्छी चीज़ें और जीवन के सुख सच में किसी को खुश नहीं करते। In the long run, they lead to moral evils. लंबे समय में ये चीज़ें लोगों को नैतिक बुराइयों की ओर ले जाती हैं। I want them to be a simple and more honest and more loving and sacrificing. मैं चाहता हूँ कि वे सिंपल बने, ज़्यादा ईमानदार बने, ज़्यादा प्यार करने वाले और त्याग करने वाले बने। Then alone will they be happy and more others happy. तभी वो खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे। चलिए पैसेज से पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the most people's idea of being better and happier? ज़्यादातर लोगों का खुश रहना और बेहतर रहने का क्या आइडिया है। यहाँ पर देखिए, मोस्ट पीपल्स आइडिया ऑफ बीइंग बेटर एंड हैप्पियर इज टू ग्रो रिचर एंड मेक अदर्स पीपल सर्व देम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई आर पीपल्स एम्स एंड एम्बिशंस अनवाइज एंड लाफेबल। लोगों के एम्स और एम्बिशंस अनवाइज और लाफेबल क्यों हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट मोर थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक एंड ऑनर एंड पावर एंड पोजिशन। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डू वेल्थ एंड प्लेजर्स लीड टू इन द लॉन्ग रन। धन और सुख सुविधा लंबे समय में कहाँ ले जाती हैं। यहाँ पर देखिए, वेल्थ एंड द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ डू नॉट मेक ओनली ट्रूली हैप्पी, इन द लॉन्ग रन दे लीड टू मोरल इवेल्स। फोर नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन पीपल बी ट्रूली हैप्पी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अनुसार वास्तव में लोग खुश कैसे रह सकते हैं। ये सेंटेंस पैसेज में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रही हूँ। पीपल कैन बी ट्रूली हैप्पी इफ़ दे बिकम सिंपल एंड मोर ऑनेस्ट एंड मोर लविंग एंड सैक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, डस द ऑथर वांट पीपल टू बी ओनली रिच एंड मोर प्रॉस्पेरस। क्या ऑथर चाहता है कि लोग केवल अमीर और समृद्ध बने। ऑथर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। नो, ही डज नॉट वॉन्ट देम टू बी ओनली रिच एंड मोर प्रॉस्पेरस। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स नॉट यूजुअल इन एनी वे। किसी भी तरह से असामान्य नहीं। इसके लिए पैसेज में वर्ड है ऑर्डनरी,
पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, गिव फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ पुअर। पुअर का अपोजिट है रिच, और रिच यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में इसी तरह का पैसेज आपसे भी पूछा जा सकता है। सेक्शन बी में राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल ब्रिंगिंग टू हिज नोटिस द नीड फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल टॉयलेट। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आपको टॉयलेट की आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। लेटर आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले द प्रिंसिपल, इसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम, करंट डेट 28 नवंबर 2024, जो भी करंट डेट हो, इसके बाद सब्जेक्ट फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्कूल टॉयलेट, इसके बाद सर या मैडम जो भी हैं, इसके बाद आपको टॉयलेट की कंडीशन बतानी है और सफाई की व्यवस्था के बारे में कहना है। आप लिखेंगे आई बेग टू इन्वाइट योर काइंड अटेंशन टू द नीड फॉर क्लीनलीनेस इन द स्कूल टॉयलेट। टॉयलेट्स स्टिक वेरी बैडली, नो वन कैन यूज देम विदाउट पुटिंग वंस हैंडकरचीफ ऑन द नोज। वाटर डज नॉट फ्लो इन देम, इट स्टॉप्ड एट 2 or 3 प्लेसेस। द यूरिन पॉट्स आर ब्रोकन, वाटर टैप्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, फाउल लैंग्वेज इज रिटन ऑन द वॉल्स। These give a very bad impression to the outsider about the school. I request you to improve the situation at the earliest. और लास्ट में आप लिखेंगे thanking you, yours obediently, और यहाँ पर अपना नाम और स्कूल और क्लास लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के और में क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, और सेकेंड है माई फेवरेट गोल। पहले इसे देखेंगे। Value of discipline. Discipline is an essential part of life that can help people achieve life's goals and live a successful life. Discipline makes a life successful and worth living. Without discipline, the person becomes aimless and soon finds his life boring and directionless. A person without discipline cannot understand the value of punctuality and hence loses many opportunities in life and gradually gets पेसिमिस्ट। सेकेंड है माई फेवरेट गेम। आप किसी भी गेम के बारे में लिखें जो भी आपका फेवरेट है, या फिर क्रिकेट के बारे में लिखें जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, इट इज़ अ वेरी फेमस स्पोर्ट एंड हैज़ इमेंसली इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द एजेस। क्रिकेट इज प्लेड बाई बोथ मेन्स एंड वुमेन्स। इट इज़ एन आउटडोर गेम विच रिक्वायर अ टोटल ऑफ 11 पेयर्स। 2 टीम प्ले अगेंस्ट ईच अदर एंड द टीम with the maximum number of runs wins the match. Cricket can be played in 3 forms, a test match, a 2020 and a one day game. Cricket has 2 parts, one is batting and the other is fielding. The team that wins the toss get to choose whether they are willing to bat or ball. My favorite is batting since I excel in it. क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस डेवलप अ रीडेबल स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विद सुटेबल टाइटल एंड मोरल। यहाँ पर आउटलाइंस दी हुई हैं, इनकी हेल्प से आपको एक 100 वर्ड्स में स्टोरी प्रिपेयर करनी है और उसका टाइटल देना है, साथ ही मोरल भी बताना है। ये स्टोरी कनिंग फॉक्स और क्रो की है, बहुत बार आपने सुना या पढ़ा होगा। इस आउटलाइन की हेल्प से आप इस तरह से स्टोरी को प्रिपेयर कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो हु वाज वेरी हंग्री एंड wanted to have a food. He found a piece of cheese from somewhere and picked it up. He fled to a tree and sat there to eat the piece properly. A fox was roaming around and was too very hungry. She was very clever. She saw the crow eating cheese piece and she wanted to eat that. She thought of an idea and started to play with the crow. She started praising the Crow by saying that he has a voice of heaven and his voice is so soothing and relaxing and great. She started flattering the crow. She asked the crow to once sing a song for her. The crow was very pleased. He opened his mouth to sing and suddenly the piece of cheese fell from his mouth to the ground. It was the fox's trick to take food from the crow. The fox picked up the पीस ऑफ चीज एंड शी रैन अवे। इसका मोरल और टाइटल भी लिखने को बोला गया है, तो मोरल आप लिख सकते हैं बी वेयर ऑफ फ्लैटरी, और टाइटल लिख सकते हैं फॉल्स एडमिरेशंस या कनिंग फॉक्स लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग। ए पर है फिंगर टिप्स, इसे मैच करेंगे द एंड ऑफ वंस फिंगर। बी पर है टिप्स द बोट ओवर, इसे मैच करेंगे मेक द बोट ओवर टर्न। सी पर है इफ़ यू मेक माई टिप, इसे मैच करेंगे इफ़ यू टेक दिस एडवाइस से। और डी पर है द टिप ऑफ द बैट, इसे मैच करेंगे द एंड ऑफ द बैट से। क्वेश्चन नंबर 5, फिल अप द करेक्ट वर्ब एनी टू। ए पर है नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा मीन्स नो फायर। बी पर है चिल्ड्रेन, यहाँ पर होगा मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। सी पर है द कैट, यहाँ पर हो जाएगा ड्रैंक द मिल्क। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स आर फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ए पर लिखा हुआ है मेंटल, मेक फ्रेश, द एक्सरसाइज माइंड। सेंटेंस इस तरह से बनेगा मेंटल एक्सरसाइज मेक द माइंड फ्रेश। मेंटल एक्सरसाइज मेक्स द माइंड फ्रेश, मानसिक व्यायाम से दिमाग तरोताज़ा रहता है। और बी को इस तरह से अरेंज करेंगे इट मेक्स द माइंड शार्प टू, इट मेक्स द माइंड शार्प टू, इससे दिमाग भी तेज रहता है। पेपर का अगला सेक्शन है सेक्शन सी लिटरेचर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, चलिए इसे रीड करते हैं। ओ मैडोज हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है नेम द पोइट एंड पोम। पोम का नेम है मैड्यू सरप्राइजेस और पोइट का नाम है लुइस ब्रांड फिलिप्स। बी पर क्वेश्चन है फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स इन अबव लाइन्स, यहाँ पर है टेल और वेल राइमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट यू हैव टू डिस्कवर इन द मैड्यूज। आंसर है इन द मैड्यूज वन कम्स अक्रॉस वेरियस ब्यूटिफुल साइट्स, वन इज एबल टू सी बटरफ्लाइज शिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, वन encounters a rabbit that suddenly hop in front of you, etc. और डी क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्कवर दीज सरप्राइजेस। आंसर इज द पोइट सेज दैट इफ अ पर्सन लुक्स अराउंड केयरफुली एंड लिसन कीनली देन दे विल फाइंड द सरप्राइजेज दैट द मैड्यू हैज टू ऑफर। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 4। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे। निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली। भारी बारिश के कारण निषाद और माया को छुट्टी मिली थी। भारी बारिश के कारण रोड में पानी भरा हुआ था जिससे आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं निषाद एंड माया गॉट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ अ हैवी डाउनपोर। द स्ट्रीट वेयर फ्लडेड ड्यू टू द रेन सिंस नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड दे गॉट अ हॉलीडे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट ट्रीज मिस्टर वोंका मेंशन। विच ट्रीज डज ही से लाइव्स द लॉन्गेस्ट। मिस्टर वोंका ने कौन से ट्रीज का जिक्र किया है, उनके अनुसार कौन से ट्रीज सबसे ज़्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। आंसर है द ट्रीज दैट मिस्टर वोंका मेंशनड आर द डगलस ओक्स एंड द सेडार। ही सेड दैट अ ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल कून पाइन लाइव्स द लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। योजना ए और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। आंसर इस प्रकार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लान ए फादर वुड हैव रीच्ड द ट्री टॉप विद द हेल्प ऑफ द लैडर, हाउएवर द लैडर स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वाज डैड श्योर द वुड नॉट फॉल। डैड को क्यों यकीन था कि वो नहीं गिरेंगे। उन्हें इसलिए यकीन था क्योंकि वो सोचते थे कि वे बहुत अच्छे क्लाइंबर हैं और ये तो बच्चों का खेल है। आंसर इस तरह से हो जाएगा डैड वॉज श्योर दैट ही वॉज नॉट फॉल एज ही थॉट ही वॉज अ गुड क्लाइंबर एंड दैट क्लाइंबिंग अ ट्री वॉज अ चाइल्ड्स प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन वॉज द बियर टाइड अप विथ अ चेन एंड वाई। बियर को चेन से कब बांधा गया था और क्यों। भालू को चेन से इसलिए बांध दिया जाता था क्योंकि उसकी मालकिन अपनी शादीशुदा बहन के साथ समय व्यतीत करती थी और साथ ही उसकी मालकिन को ऐसा लगता था कि जंगल में भटकना उसके लिए ठीक नहीं है। आंसर इस तरह से हो जाएगा द बियर वॉज चेंड एट नाइट ही वॉज ऑल्सो टाइड अप ऑन संडे बिकॉज हिज मिस्ट्रेस स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर मैरिड सिस्टर
She did this because she did not think it was good for him to wander around in the forest. Question number 8 का last question है. What made grandfather decide to transfer Timothy to the zoo? दादाजी ने Timothy को zoo में transfer करने का क्यों सोचा, क्यों decide किया? जब Timothy 6 महीने का हुआ तो वो ज़्यादा खतरनाक हो गया था. वो बिल्लियों का पीछा करता था और मुर्गियों को खा जाता था. वो महमूद का भी बुरे इरादे से पीछा करता था, इसलिए दादाजी ने उसे जू भेजने का इरादा किया. आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं. When Timothy was about 6 months old, he grew less friendly and more dangerous. He chased the cats and ate up hens. He also followed Mahmood with evil intention. So grandfather decided to shift him away to the zoo. Question number 9. Answer in detail. ये question paper का last question है. Freedom is life. Discuss this with reference to Chandni. स्वतंत्रता ही जीवन है. चांदनी के रेफरेंस में इसे डिटेल में डिस्कस कीजिए. चांदनी खुली हवा में सांस लेना चाहती थी. वो छोटे से झोपड़े में बंधे रहने के बजाय खुले मैदान में मरना पसंद करती थी. वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाना चाहती थी जहां हवा ताज़ी हो और वो आज़ाद रह सके. उसने सोचा कि एक छोटे से झोपड़े में बंद होकर रहने के बजाय खुली हवा में मरना बेहतर है. आंसर है, इट इज़ ट्रू दैट फ्रीडम इज़ लाइफ. चांदनी प्रिफर्ड डेथ इन एन ओपन फील्ड टू लिव इन अ स्मॉल हट. चांदनी द गोट कुड नॉट लिव एनी मोर बींग टाइड टू द पोल. शी लॉन्ग्ड टू गो टू द हिल टॉप्स वेयर द एयर वॉज फ्रेश एंड शी कुड बी फ्री. चांदनी डिड दिस एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन डेथ. शी इवन थॉट दैट टू डाई ऑन एन ओपन फील्ड वॉज बेटर देन टू लिव इन अ स्मॉल हट. ये था पेपर का लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.